कन्नौज में फिर हुआ सड़क हादसा। कोहरे के चलते दो ट्रक आपने सामने टकराए। हादसे में ट्रक में फंसा चालक, ग्रामीणों ने ट्रक चालक को बाहर निकाला। तो एक और ये बड़ी खबर, कन्नौज में बड़ा हादसा हुआ है, दो ट्रक आमने सामने टकराए हैं। तो इस हादसे में ट्रक चालक ट्रक में फंस गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। तो कन्नौज में फिर सड़क हादसा, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये दो ट्रक आमने सामने टकराए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं साथ से, कि आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ट्रक आपस में टकराए हैं। तो कन्नौज में फिर से ये हादसा यहां पर देखने को मिला है। तो कन्नौज में फिर सड़क हादसा, तो कोहरे के चलते दो ट्रक आमने सामने टकराए। तो जिस तरह से कोहरा छाया होता है, उसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, और ऐसे में हादसों का जो डर है वो बना रहता है। और एक बार फिर से कन्नौज में ये हादसे की खबर सामने आई, जहां पर दो ट्रक आपस में टकरा गए। और संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, एक बार फिर कन्नौज में सड़क हादसा, दो ट्रक आमने सामने टकराए। बता दें, अभी अभी ये हादसा हुआ है, क्योंकि कन्नौज में बहुत भीषण कोहरा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ये आलू लदे ट्रक के आमने सामने इनमें भीषण भिड़ंत हुई है, जिनमें से जो एक ट्रक का चालक था वो तो मौके से फरार हो गया, लेकिन जो दूसरे ट्रक का चालक था, भिड़ंत में ट्रक आपस में एक दूसरे में घुस गए हैं। जो वो सामने वाला चालक था वो भी अपनी स्टेयरिंग में बुरी तरह से फंस गया, उसके पैर पूरी तरह से बेकार हो गए। ग्रामीणों ने बड़ी कड़ी मशक्कत करने के बाद उसको उस चालक को निकाला है और एम्बुलेंस बुलवाकर उसको अस्पताल भिजवाया है। लेकिन एक बड़ी बात और बड़ी लापरवाही भी यहाँ देखने को देखी जा रही है। एक जो ट्रक टकराया है, उसमें से जो एक ट्रक है उसके नीचे जो पाइप का जो टंकी होता है, जो डीजल का टंकी होता है, उसका पाइप फट गया है और बहुत तेजी से डीजल का रिसाव हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी की भी आशंका हो सकती है। और अगर पुलिस बल या सुरक्षाकर्मी या किसी तरह की कोई सुरक्षा की बात करी है, तो अभी तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। काफी लंबा जाम भी लगा हुआ है यहाँ पर, स्थानीय लोग जाम भी खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय लोग बचाव कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी प्रशासन के अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गंभीर सवाल खड़े कर देता है प्रशासन पर, क्योंकि शुक्रवार रात को जिस तरह से भीषण हादसा हुआ, और एक बार फिर से कन्नौज से ये तस्वीरें सामने आई है, इसके हादसे के पीछे क्या वजह अभी तक बताई जा रही है अमित? ये बिल्कुल, इसके हादसे के पीछे सीधी सीधी वजह है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, जाहिर सी बात है ये दोनों ट्रक काफी तेज स्पीड में होंगे, क्योंकि जो समय है इस समय ट्रक वालों की स्पीड काफी तेज रहती है और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। और बीच सड़क दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में खड़े हुए हैं, ट्रक के जो पाइप जो टंकी है उसमें से लगातार डीजल रिसाव जारी है। स्कूल के बच्चे, स्कूल के लोग यहाँ से बच बुझा कर कैसे भी करके निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी लापरवाही से प्रशासन की देखी गई है। बिल्कुल, सीधे तौर पर लापरवाही प्रशासन की यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर इस हादसे की, लेकिन इस हादसे के चलते एक बार फिर प्रशासन सवालों के घेरे में।